छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास पर इस मौके पर एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार और मंत्रियों के साथ गोवर्धन पूजा कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से पैरा दान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौठानों को पैरा मिलने से गायों के लिए चारे की समस्या का समाधान होगा। सीजन है फसल कटाई की, पैरा से लोग परेशान है, पराली जलाने से लोग परेशान है, कार्बन उत्सर्जन के कारण से पर्यावरण काफी उससे प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता सभी राष्ट्रों ने की है और ये गोवर्धन पूजा दूसरे रूप में हम कहें भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा की है। तो आज यदि प्रकृति को हमको बचाए रखना है, पर्यावरण को बचाए रखना है, तो जरूरी है कि पैरा को न जलाएं बल्कि पैरा दान करें, गौठान मिलाएं, ताकि हमारे जो पशु हैं बिना चारे के भूखे न रहें, उसको चारा मिले और फिर जो गोबर एकत्रित होगा उससे हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनेगा, लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, लोगों का आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ को हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।